हाय एवरीवन, देखिए आज हम छोटे बच्चे की गर्ल्स बेबी का ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ, आज ये तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हम गोल गले की घटाई करेंगे और शोल्डर पर देखेंगे कि हमें कितने फंदे रखने हैं। तो आइए हम इसे घटाना सीखते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने ये स्वेटर बनाया था, स्टार्ट किया था, तो 99 फंदों से स्टार्ट किया था। और जब मैंने अंडर आर्म से शोल्डर कंधों की घटाई की, तब मेरे पास फंदे यहाँ पे 75 हो गए थे। और जिसमें से फिर मैंने यहाँ पे 22 फंदे ये रोक के बीच के फंदे मैंने यहाँ पे 11 घटाए हैं, जो यहाँ पे बीच में हैं 11 फंदे घटाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 घटाए, 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ पे मैंने 22 फंदे यहाँ पे शोल्डर के लिए ऊपर रख लिए हैं दोनों तरफ। अब मैंने एक तरफ का तो मैंने बना लिया है, इसकी जो हमारी ये है अंडर आर्म से शोल्डर तक की इसकी लेंथ पूरी हो चुकी है। तो अब हमने बनाना है इस साइड का, ये वाला बनाना है अब हमने। तो यहाँ से अब हमने घटाई करनी है और मैंने थ्रेड को अटैच कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे घटा लिए हैं उल्टी तरफ से, कि थ्रेड अब मैंने इधर अटैच कर ली है। अब हमने यहाँ पे 4 फंदे भी घटा लिए हैं और बुनाई पे हमने जो फंदा हमें जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही हमने बनाना है। तो यहाँ पे है बेबी के नेक को हमने कैसे घटाना है, गोल घटाई हमने कैसे करनी है। तो यहाँ जो फंदा हमें जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही हमने बना के उल्टी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पे 4 फंदे घटा लिए, अब हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। दो फंदे घटा लिए, तीन फंदे हैं, देखिए 1, 2, 3 फंदे मैंने घटा लिए हैं। इसके बाद हमने 2 घटाने, फिर 1 घटाना है, फिर कंधे की लेंथ हम उसकी बराबर कर लेते हैं। अब सीधी सिलाई निकाल के उल्टी सिलाई पे हैं, जहां अब हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 घटाया, 2 फंदे, और पूरी सिलाई हमने सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा डाल के कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 1 फंदा घटाना है। एक फंदा हमने घटा लिया है। तो जब हम यहाँ पे फंदे घटाते हैं बच्चे की गोल घटाई के लिए, तो हमें अपने फंदों के हिसाब से और बच्चे की बॉडी के हिसाब से जब हमने फंदे डालते हैं तो उसके हिसाब से हमने फंदे लेने होंगे कि कितना राउंड हमने रखना है, कितना डीप रखना है, पीछे से हमने कितना रखना है। तो इसमें तो मैंने पट्टी बनाई है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा कम किया है मैंने। ये जो हमारा बैक का है, ये देखिए, ये बैक का तो बहुत कम है, यहाँ से देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर उठाना है, बॉर्डर के बाद मैं यहाँ पे ऐसी एक फ्रिल बना के लगाऊंगी। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और दोनों शोल्डरों की वो इनकी लेंथ बराबर करके फिर दोनों को आपस में हम सिलाइयों से बंद कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो है इसका, जब मैंने ये गले की घटाई की थी, तो अंडर आर्म से हमने कितना बनाया था, ये मैंने बनाया था 4.5। 4.5 बनाने के बाद
देखिए यहाँ पे, यहाँ से साढ़े चार, जब ये साढ़े चार हो गया था तब मैंने यहाँ पे जो फ्रंट का जो पार्ट है जो इसकी मैंने राउंड नेक बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे साढ़े चार जब होगा तब मैंने यहाँ पे घटाई स्टार्ट की थी, और बैक में मैंने की थी पाँच 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 सवा पाँच बुनने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ इस वाले शोल्डर के यहाँ पे जो कंधा है इसके बराबर कर लेती हूँ। उसको गिनने हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके जब हमने ये करेंगे तो ये वाले हम ना डिब्बियाँ गिन लेंगे, तो हमारा ये दोनों ही पार्ट हमारे बराबर हो जाएंगे, इधर का शोल्डर का भी और इधर का भी दोनों का। तो हमें बार बार नापने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो हमारा डिजाइन होता है उसको हम गिन लेते हैं कि अब हमारी इसकी लेंथ पूरी हो गई है। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ इस वाले जो हमारा राइट साइड का ये है इसके बराबर, तो फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमने राइट साइड का सबसे पहले बनाया था तो उसको हम गिन लेते हैं कि कितनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे मैं गिनूंगी यहाँ से, ये देखिए एक जो नीचे से हमारी डिब्बी बनी है पूरी कंप्लीट, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के बाद तो ये जो हमारा है यहाँ पे चार सिलाइयाँ हैं, ये देखिए यहाँ पे चार सिलाइयाँ 17 के बाद जो हमारी ये डिब्बी बंद हुई है। तो वहाँ भी हमने ये वाली डिब्बी देखा जाए तो ये वाली इधर बंद है तो यहाँ खुली है, तो यहाँ पे 17 होने के बाद फिर चार सिलाइयाँ हैं, एक दो तीन चार सिलाइयाँ। तो इधर भी हम ऐसे ही गिन लेते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड का है, और यहीं से गिनेंगे जहाँ से हमने गिना था जो हमारी नीचे से फुल बनी हुई है फुल डिब्बी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए 17 के बाद आप यहीं पे आ जाइए, तो यहाँ भी देखिए एक दो तीन चार, तो बराबर हो गया है हमारा ये। अब हमने इनको दोनों को ज्वाइंट करना है, इसको और ये ऐसे, तो मैं इसको जोड़ लेती हूँ सिलाइयों से जैसे कि जोड़ा जाता है, तो ऐसे मैं जोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक कंधा जोड़ लिया है, ये देखिए एक शोल्डर यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये गोल गले की घटाई दिखा रही हूँ कि कितना हमारा फ्रंट में राउंड आ रहा है। ये देखिए ज़्यादा नहीं मैंने किया यहाँ पे, कि बच्चों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा गहराई वाला, क्योंकि इसके नीचे बच्चे ने इनर भी पहनना होता है हाई नेक गले का। देखिए ऐसे, अब मैंने इसके जोड़ना है, जितना जोड़ा उतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ऐसे ही ये हमारा स्वेटर बन जाएगा। तो मैं इधर भी दोनों कंधे जोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के बाद फिर मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी, जितने फंदे उठेंगे उतने ही मैंने फ्रिल के लेने हैं फंदे, ठीक है। जब आप भी ऐसा कभी भी कोई स्वेटर बनाए तो आप पहले ऐसे बना लें, उसके बाद आप दोनों कंधों को ज्वाइंट करने के बाद जब आप फंदे उठाएंगे तो फंदों के हिसाब से ही आप जो फ्रिल बनाना चाहें तो आप ऐसी फ्रिल बना सकते हैं। तो उसके साथ हम एक फंदा फ्रिल करेंगे, एक फंदा जो हमने उठाया होगा उसके साथ बुनते जाएंगे। तो इतना मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने दोनों शोल्डर जोड़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे फंदे उठाने हैं गले के लिए। तो जो मैं गले के जो फंदे उठाऊंगी और ये मैं उठाऊंगी 11 नंबर से, 11 नंबर से इसका ये गला बनाऊंगी, और जो फ्रिल बनानी है वो मैं बनाऊंगी 9 नंबर से। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं यहाँ पे ये गले के फंदे उठा रही हूँ,
तो ये देखिए यहाँ पे फंदे, जो हमारा इस साइड का जो हमारा ये पार्ट है बैक का, तो ये 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं। 7 के बाद मैंने 13 फंदे और उठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 12 और 1 13, 13 फंदे हो गए। 14 15 16 17 18 19 20 हमारे फंदे हो गए हैं। अब आगे का थोड़ा सा हमारा डीप है, पीछे के पार्ट, पीछे के गले से जो अगला हमारा जो नेक है, ये थोड़ा सा हमारा गहराई में है, तो यहाँ थोड़े हम ज़्यादा फंदे लेंगे। देखिए ऐसे मैं फंदे उठाती जाऊँगी, तो ये मैंने 11 नंबर की नीडल्स ली है। तो ये मैं फंदे उठा लेती हूँ ऐसे ही, और जो मैंने बैक से उठाए हैं ना ये वाले फंदे, तो इधर भी मैंने अभी देखो इसको डाल लूंगी, और यहाँ भी मैंने 13 फंदे उठाने हैं यहाँ पे। तो बैक से 26 फंदे हो जाते हैं, 26 और 14 जोड़ लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो ये हमारे 40 हो जाते हैं पट्टी, दोनों पट्टियों को मिला के, और यहाँ तक जो बैक के फंदे हैं, तो ये हमारे 40 हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि फ्रंट में हमारे कितने फंदे उठ जाते हैं। तो ये मैं उठा लेती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने फंदे उठ गए हैं। तो यहाँ देखिए जो मैंने फंदे उठाए हैं, बिल्कुल इसकी शेप कितनी सुंदर राउंड में आई हुई है, जिसके एकदम गोल आया हुआ है, और इतना मेरा ये डीप है, ये पीछे का है ये देखिए। और आगे से भी जो फंदे मैंने फ्रंट से उठाए हैं, जो फ्रंट पार्ट से मैंने उठाए हैं, 25 फंदे मैंने इधर शोल्डर से लेके, जो मिडल से मैंने यहाँ पे 11 फंदे घटाए थे, यहाँ से 25 फंदे, और 25 फंदे मैंने इधर उठाए हैं इस। तो ये हमारे यहाँ के अगले पार्ट के राउंड के 50 फंदे हो जाते हैं, और बैक के मैंने 14 फंदे इधर उठाए हैं यहाँ से पट्टी को छोड़ के, तो 14 ये हो गए, 14 ये हो गए, तो कुल टोटल मेरे पास 92 फंदे हो जाते हैं राउंड में। और जो मैंने पट्टी है, पट्टी मैंने सिल लिया इसकी नीचे से, ये देखिए पट्टी, 7-7 फंदों की मैंने पट्टी बनाई है। और यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद यहाँ पे मैंने काज बनाया। फिर मैंने कितनी सिलाइयाँ निकाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 सिलाइयों के बाद फिर मैंने एक काज बनाया। फिर एक यहाँ पे आके आ जाएगा जब मैं गले का जो बॉर्डर बनाऊंगी इसमें। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ 92 फंदों का गले का फंदे जो मैंने उठाए हैं इसका। अब मैंने इसकी फ्रिल बना के जब इसमें अटैच करूँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये मैंने गले पे ऐसे ये फ्रिल, जैसे मैंने ये नीचे फ्रिल बनाई है ऐसे ही मैंने, अगर ये मैंने 6 जालियों की बनाई है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही जालियों की मैंने ऊपर बनाई है। और ये फ्रॉक मैंने 5 बॉल थे मेरे, 50-50 ग्राम की लच्छियाँ थी ये, तो इसमें थे ये बॉल बची हुई है अभी, जिसमें मैंने गले का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा बनाना चाहते हैं, इतनी बड़ी लड़की के लिए मैंने बनाया है ये, 3 साल की लड़की के लिए, तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप इतने ही फंदों में बना सकते हैं इतनी बड़ी लड़की के लिए। अगर आपने और बड़ा बनाना है तो आप थोड़े से फंदे डाल लिए, ज़्यादा डाल लें, जैसे ये हमारा एक जो डिजाइन बनता है 5 फंदों का, ये डिजाइन है एक डिजाइन। अगर आपने 2 बढ़ाने हैं तो 11 फंदे तो आपको लेने होंगे, कि नहीं 10 फंदे, 5 ये 5, उसी के हिसाब से अगर आप फिर 2 डिबियाँ और ऊपर बना लेंगे तो और लंबा हो जाएगा। अगर ये फ्रिल आपने, जैसे मैंने एक बनाई है, तो आप यहाँ से फंदे उठा के यहाँ से भी और भी बना सकते हैं, डबल फ्रिल, यानी कि डबल फ्रिल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मैं कोई नया प्रोजेक्ट लेके आऊँगी, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी डबल फ्रिल में कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे इसकी गले की, गले के फंदे मैंने लिए हैं, और इसकी मैंने 86 फंदे से मैंने बना ली है, ये देखिए अच्छी जालियाँ बनाई हैं।
और इसमें है 92 फंदे लिए हैं मैंने गले में, और 11 नंबर की सिलाइयों से मैं बना रही हूँ ये। तो चलिए इसे जोड़ना है, और भी बैक की पट्टी है ये, और 3 बटन लगेंगे। अब अभी तक तो मैंने इसमें 2 काज बनाए हैं बटन टाकने के लिए, बटन लगा एक काज मेरा गले की जब पट्टी बनाओगे ना उसमें आ जाएगा। ये देखिए, अरे 7 फंदों की मैंने पट्टी बनाई है। तो चलिए अब हम इसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने जोड़ना कैसे है। तो ये देखिए यहाँ पे इधर से हम जोड़ेंगे, क्योंकि थ्रेड हमारी इधर ही है ये, और ये 11 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ। और ये मैंने 9 नंबर से बनाई है फ्रील, और पूरा स्वेटर मैंने 9 नंबर से ही बनाया है, क्योंकि इसमें है 86 फंदे लिए हैं मैंने फ्रील में, और यहाँ पे फंदे मैं 3 फंदे इधर से कम कर दूंगी, 3 यहाँ, यहाँ से 3 फंदे। अगर मैं पूरी इसके ऊपर भी लगाऊंगी और एक तरफ नहीं भी लगाती हूँ तब भी चलेगा, लेकिन क्यों मैं बराबर इसे लगा रही हूँ कि 2 बटन हमें एक इसके फ्रिल के नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आएगा, एक फिर ऊपर दिखाई देगा, इसलिए मैंने थोड़ा हटा के करूँगी यहाँ से 1 2 3 फंदे यहाँ से ऐसे। ये देखिए, तो एक फंदा हमने इधर से लेना है। तो ये मैंने उल्टे उल्टे से बनाया है, पट्टी मैंने उल्टे थी तो सारा गला भी हमारा, अब ये उल्टे उल्टे से ही बनाऊंगी। ये देखिए 3 फंदे बना लूंगी उल्टे, फिर एक फंदा हम पीछे से लेके एक फंदा हम आगे से। अब इस फ्रील को हमने गले के जो फंदे उठाए इसके साथ हमने ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ से ये, बस ऐसे ही हमने जोड़ते चले जाना है, एक पीछे का फंदा एक आगे का फंदा लेके फ्रील का फंदा ले लेना है। ये देखिए, तो ये मैं सारा जोड़ लेती हूँ, तो फिर हम बॉर्डर बना लेते हैं गले का। तो गले में भी ब्लू लाइन दिखाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें मैंने कम बनाना है बॉर्डर, देखते हूँ कितनी बनेगी। तो ऐसे ही हमने ये पूरा कर लेना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इस फ्रिल को गले के फंदों के साथ अटैच कर लिया है, ये देख लिया थी। तो ऐसे ही मैंने, जैसे ये मेरी उल्टी उल्टी की सिलाई आ रही है, इधर से भी उल्टी ला के 2 सिलाइयाँ और दिखाऊंगी, फिर बीच में मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिखानी है एक और, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ऐसा ही बनाना है ऊपर भी। तो ये मैं बना लेती हूँ गले को, तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास ये वाली वायर वाली सर्कुलर नीडल्स नहीं है तो आप गला बनाने की सिलाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से बनाना था, तो ना तो मेरे पास 10 है, 12 है, 13 है गला बनाने की सिलाइयाँ, तो इसलिए मैंने ये वाली लगा ली 10 नंबर से। वैसे मैंने बनाना था इस गले को, तो लेकिन मैंने यहाँ पे अब 11 से ही बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की ऊन को अटैच कर लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा अंदर को ले जाएंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग बनी रहे, ये बाहर के धागे ना फालतू धागे दिखने नहीं चाहिए, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं।
इनको थोड़ा थोड़ा हम अंदर को लेते जाएंगे। फंदा बनाया, इसको अंदर कर दिया, ये फंदा बनाया, अच्छे से इसको अंदर कर देना है जो कि ये दिखाई ना दे। ऐसे ही हमने इसको चार सिलाइयां निकाल लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, चार लाइन मेरी पिंक की जो हमारा बेस कलर स्वेटर है, और दो लाइन मैंने देखी ब्लू कलर की, इसमें बना दी है। अब हमने चार सिलाइयां इसकी बनानी है। ये चार चार सिलाइयां हमारी बन चुकी है, चार सिलाइयां और बनानी है मैंने। तो और जो इसकी ऊन थी ये देखिए, इसको भी मैंने यहाँ से कट करके थोड़ा थोड़ा एक फंदा बुनेंगे तो अंदर कर देंगे। एक फंदा बुनना है, अंदर कर देना है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखिए 12 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट कर ली हैं। दो दो धारियाँ दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, ये देखिए दो, ये दो, ये दो, तो छः, तो छः दो ना 12, क्योंकि ये दो सिलाइयों में एक हमारी धारी बनती है सीधी से उल्टी से, तो इसलिए ये 12 सिलाइयाँ हमने बना के कंप्लीट कर दी हैं। ये तो यहाँ पे अब मैं 13वीं सिलाई पे हूँ, तो ऐसे हमने थोड़ा सा हमें टाइटी घटाएंगे कि ढीला ना रह जाए कहीं। अगर ढीला हो भी जाएगा तो हमें क्या करना होगा, अगर मान लिया कि हमारा फंदा यहाँ से गले की घटाई थोड़ी सी ढीली लग रही है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा खोलेंगे फिर हम फंदे चढ़ाएं तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो अगर ढीला लगे तो कि हमारा ये ढीला लग रहा है कि हमारा गला सेट नहीं बैठा है, तो ऐसे करके हम दो का एक भी हम कर सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ तरीका कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक बनाया, तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं ऐसे। फिर जैसे हमने दो बनाए, बीच बीच में ऐसे कर लेंगे तो आपका गला बहुत सही बैठ जाएगा। देखिए एक बुना, पीछे का फंदा हमने ऊपर पास कर देंगे, देखिए फिर बुना पीछे का अगली तरफ ऐसे हमने गिरा देना है फंदा, तो ऐसे ही हमने घटाना है। तो मैं इन फंदों को घटा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने गले को बना के कंप्लीट कर लिया है। तो जब हम ऐसा कोई गला बनाएं, गार्टर स्टिच पर्ल वाइट जब हम बुनते हैं इस तरीके का, जब भी हम कोई फंदे उठा के गला बनाएं, तो हमें क्या करना होगा इनमें, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे राउंड में पट्टी को मिला के और दोनों पट्टियों को मिला के हमारे पे 92 फंदे हो गए थे। 92 फंदे होने के बाद जब मैंने यहाँ पे इस एक सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बना ली थी, क्योंकि मैंने उल्टे उल्टे से पट्टी बनाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे उल्टा उल्टा ही बनाया है ये। फिर मैंने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद, 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने यहाँ पे बैक से इस साइड से जो मैंने 14 फंदे यहाँ से उठाए, 14 फंदे मैंने यहाँ से उठाए, तो जब मैंने ये 8 सिलाइयाँ निकाल ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके दो फंदे मैंने यहाँ से कम किए, दो फंदे मैंने इधर से, चार फंदे बुनने के बाद पट्टी को छोड़ के मैंने चार फंदे बुने, फिर उसके बाद मैंने दो फंदे घटाए, फिर हम आ गए आगे, मतलब कि दो फंदे इधर से, दो इधर, चार फंदे हमने इधर से कम कर दिए, और फिर मैंने यहाँ से कम किए 6 फंदे। अब इसमें 82 फंदे हैं, 92 से, तो मैंने 10 फंदे दोनों तरफ के मिला के इसमें, अब मेरे पास इसमें 82 फंदे हो गए, तो 10 फंदे हमने इसमें से कम कर दिए।
तो जब इस अगर आप उन्हीं फंदों को लेके चलते और फिर घटाते तो यहाँ पे ऐसे झोल सा आ जाना चाहते, खड़ा खड़ा सा। तो जब भी आप कोई ऐसा बॉर्डर बनाए उल्टे उल्टे से फंदे उठा के, तो जैसे हम कोई राउंड बनाते हैं कि पहला राउंड, अब इसी में लगा लीजिए आप, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जब ये फंदे हमने यहाँ पे कितने भी फंदे लिए, जैसे मान लिए 20 फंदे लिए, 20 के बाद हमने जब जाली बनाएंगे तो एक एक फंदा हमारा बढ़ा तो थोड़ा और राउंड हुआ, फिर हमने फिर उल्टी सिलाई निकालने के बाद जब हमने फिर हमने यहाँ पे दूसरी जाली डालेंगे तो थोड़ा और राउंड बड़ा हो गया। ऐसे जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे हमारा राउंड बड़ा होता जाएगा। तो इसमें तो पहले हमारा राउंड बड़ा था, 92 फंदे थे, फिर हमने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ निकाल ली, 4 से 8, 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने यहाँ पे जब ये हमने थ्रेड अटैच किया, ये वाला जब हमने मेन कलर जब बुना, तो इसमें मैंने ये देखी, आप लोगों को दिखाई भी देगा, ये मोटी सी गांठ जैसे बनी, यहाँ 2 का 1 किया, यहाँ एक बीच में किया, तो इधर मैंने ऐसे करके यहाँ पे मैंने 6 फंदे इधर, 4 इधर, तो 10 फंदे मैंने यहाँ पे कम कर दिए, वो जिससे कि यहाँ पे ये गोल आ गया, नहीं तो हमारा ये उठा उठा सा रहना था। फिर हमें क्या करना था, जब मैं फंदों को बाइंड ऑफ कर रही थी, फिर मेरे को यहाँ आके क्या करना पड़ा, 2 फंदों को एक साथ बुन के फिर मेरे को घटाना था। जैसे कोई भी राउंड हम बनाते हैं, पहला हमने बड़ा लिया, फिर छोटा लिया, ऐसे करके भी। अब यहाँ पे गले की बात आई, तो जैसे ये बड़ा था तो होते होते हुए थोड़ा थोड़ा कम भी, जब भी हमारी यहाँ पे राउंड गोल आएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बटन भी लगा लिए हैं, ये देखिए पीछे बटन मैंने टांग लिए हैं ये, और एक तरफ की मैंने बाजू भी सिल ली है, ये देखिए ये पूरा मैंने यहाँ से ये सारी मैंने इसको सिल लिया, एक बाजू और एक तरफ का मैं आप लोगों के साथ सिलूंगी कि मैं सिलाई कैसे करती हूँ। ये देखिए इधर मैंने अभी सिलना है और यहाँ पे बाजू भी मैंने ज्वाइंट करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर बच्चे को थोड़ा सा फिटिंग की और थोड़ा सा और लुक देने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से 4 इंच, यहाँ से लेके 4 इंच के करीब फ्रील को लेके यहाँ से, तो इन्हीं जो जाली बनी इनमें मैं डोरियाँ डालूंगी, डोरी डालने के बाद यहाँ मैं पम्पम डोरियों में लगाऊंगी, थोड़ा सा और लुक आ जाएगा। चाहे आप क्रोशिया से डोरी बना लें, और पम्पम भी मैंने सिखाया है पिछली वीडियो में, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसमें आप पम्पम भी देख सकते हैं, और मैंने डोरी भी बना के इससे पहले एक वीडियो डाली थी, तो वो भी ऐसे ही मैंने बनाया था, उसमें मैंने पम्पम बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं इसमें डोरी और पम्पम भी लगाऊंगी, तब मैं इसका आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे सिलाई करते हैं कि सिलाई हमें कैसे करनी है, तो चलिए अब हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सुई में थ्रेड डाल ली है, और यहाँ पे देखिए ऐसे करना है हम। अब हमें ये देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा पक्का कर लेना है, ऐसे पक्का कर लिया, देखिए ऐसे पकड़ा, फिर यहीं से फिर हमने डाल लेना है, थोड़ा ये पक्का हो जाए, अब हमने ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। एक बार हमने यहाँ से टंका भरना है, ये देखिए ऐसे लिया, दूसरी बार हमने यहाँ इधर से लेना है, फिर इधर से, और यहाँ पे हमने ऐसे करना कि जो हमारी ये उल्टी है पर्ल
से बुना हुआ हमने ये जो धारियां निकाल उल्टे वाली, ये चीज़ हमारी ऐसे आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, सिल लिया है, ये देखिए बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ जाए। ये देखिए धारी से धारी ऊपर भी देखिए ये पिंक वाला ऐसे बनाना, हमें बनाना क्या सिलना है। देखिए ऐसे हमने इसको सिलना है। अब यहाँ देखिए जो हमारी ये वाली है इसको लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको लेंगे देखिए ऐसे, दोनों धारियाँ हमारी इस पार्ट की और इधर की भी मिल जाएगी। अब हमने यहाँ से लेना है और इसका ये वाला ले लेंगे जी, ये देखिए ऐसे सिलना है। तीर यहीं से हमने ये लेना, यहाँ ये वाला इस इधर से इसको लेना है। ये थोड़ा सा मेरा पिंक है, ये ब्लू कलर है, थोड़ा सा धागा इसमें दिखाई देगा। खींचने पे नहीं दिखाई देगा, ये देखिए अब ये इधर से ये वाला और यहाँ से हमने इधर को सिलेंगे जिससे कि ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ से पहले से थोड़ा सिल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐसे सिलना, ये देखिए देखिए दोनों धारियाँ मिल गई हैं, इधर की उल्टे वाली और इधर की दोनों, ये देखिए ठीक है। ये तो हो गया इसकी साइड की सिलाई। ऐसे ही मैंने बाजू सिल के यहाँ पे अटैच कर देनी है, बस ऐसे ही सिलना है। बाकी आप अपनी देख लीजिए कौन से मेथड से आप सिलते हैं, वैसे आप सिल सकते हैं जैसी आपको सिलाई आती हो। लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे मैं सिल रही हूँ ऐसे मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि इसकी सिलाई हम मैंने यहाँ पर ऐसे की है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल बारीक टंग का लेना है, ये इसको लिया। और उल्टे तरफ से कितनी सफाई आ रही है, तो मैं यहाँ से इधर को सिलूंगी अब ऊपर से नीचे को। पहले तो ये हमारी जो इतनी थ्रेड है इससे मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ, बीच में ले आती हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ से इधर को सिलूंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे गुलाई में सिलूंगी। जैसे मैंने आस्तीन पहले सिलाई कर लेनी है
देखिए आस्तीन भी मैंने सिल लिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही सिल लिए, नीली धारी के साथ नीला मिलाया, पिंक के साथ मैंने पिंक मिलाते हुए मैंने सिला है। और यहाँ ये भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए मैंने जो घटाई की थी आप लोगों के सामने बताया भी था कि कैसे करती, एकदम से देखो गोल कटिंग आई है, जैसे कि हम कोई कपड़ा काट के लगाते, बिल्कुल ऐसे मैंने इसकी। और जब ये है डिजाइन है जो हमारा, ये देखिए अभी मैंने इसको नहीं सिला है, तो जब हम देखिए बीच का सेंटर का, यानी कि यहाँ से पकड़ कैसे सिल देंगे ये देखना है हमें मेन, ये है हमारा बीच का, ये सेंटर है हमारा, ये हमने यहाँ पे रख लेना है। जैसे अभी तो मैंने इसमें सुई में नहीं डाला, फोन ऐसे रख के और यहाँ पे मैं ऐसे बता देती हूँ, देखिए ऐसे करके हमने जैसे हमारी ये दो डिब्बियां डली हुई है ना ये हमारी, अब ये देखो बीच वाली एक सेंटर में एक आ रही है, तो इसी का हमने जो बीच का उल्टा फंदा हमारा है ये वाला, यहीं से हमने पकड़ना है और सुई में इसको थ्रेड को डाल के ऐसे सिलना है हमने ऐसे करके, और बारीक बारीक हमने टांकों से, और ये मैं पहली भी कई वीडियो में बताती चली आई हूँ कि हमें कैसे सिलना है ये देखिए, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलेंगे जब भी हमारी फिनिशिंग आएगी ये देखिए। और बड़े हुए जो छोटे छोटे टुकड़े धागे हैं उनको भी हमें सुई से अंदर पिरो के, जो हमारा फालतू धागा होगा एक्स्ट्रा धागा होगा उसको भी हम काट देंगे, ऐसे सिलना है बस सुई में हल्के से जरा जरा से। तो मैं इसको सिल लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिल लिया है, यहाँ से ये देखिए थोड़ा धागा मैंने यहाँ रखा ना, ये अंडर आर्म से नीचे की तरफ को मैं गई हूँ, और इधर से मैंने पहले सिल के बता दिया था, और इधर से मैंने अब सिल के यहाँ तक ले आई हूँ, और उल्टी तरफ से मैंने इन दोनों धागों के ये देखिए ऐसे करके नॉट लगा दी, एक नॉट हम और लगा देते हैं। अब यहीं से हम इसको काट देते हैं। अब हमने ये देखिए ऐसे मैंने स्लीव को सिला है, ये देखिए मैं आपको आप लोगों को इधर से दिखाती हूँ, ऐसे मैंने सिल लिया ये, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ये कंधे ज्वाइंट किए थे तो दोनों तरफ के ये सिरे हैं ना, जो एक सिरा मैं पकड़ के इधर को सिलूंगी आस्तीन को, तो जहाँ तक सिला जाएगा, फिर उसके बाद वहीं पे छोड़ के फिर मैंने इधर को सिलना ऐसे, इधर को नीचे को अंडर आर्म शोल्डर से नीचे इधर अंडर आर्म की तरफ, और इधर से मैं इस तरफ आ जाऊँगी सिलते सिलते। और यहाँ पर मैंने जो हमारा ये ज्वाइंट है इसका जो सेंटर है इसका, सॉरी ज्वाइंट नहीं, इसको मैं जैसे मैंने ऐसे किया ना इसको पकड़ के, ये देखिए ऐसे जो हमारा यहाँ पे सेंटर में आ रही है, ये देखिए ये वाला हमारा सेंटर का फंदा है, ये बुनाई के लिए जो बीच में एक बार ये यहीं से मैंने यहाँ पे ऐसे कर लेना है, शोल्डर पे ऐसे लगाना इसको, ऐसे बस सिलाई जैसे हमने करनी है ऐसे ही करनी है। तो मैं सुई में धागा इसको उनको डाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने थ्रेड को सुई में डाल लिया है, पिरो लिया है, जो हमारा जो ये देखिए यहाँ से सुई को हमने यहाँ पे ऐसे डालना है, ऐसे डाल दिए बिल्कुल किनारे पे, यानी कि मोटा मोटा अंदर लेके सिलना है, और इसको हमने पलट लेना ऐसे करके। बस सिलाई दिखा देती हूँ मैं कि मैंने कैसे इसको सिलना है, शोल्डर से जो हमने ज्वाइंट किया है दोनों पार्ट को वहां से अंडर आर्म की तरफ हमने सिलना है, ऐसे सिलना है, ये देखिए बिल्कुल बारीक टंका रख के।
ऐसे सीखना हमें। देखिए और इसकी सिलाई मैं अभी दिखाती हूँ सीधा करके कि कैसी आती है इसकी सिलाई। बिल्कुल भी हमें जाली नहीं नजर आएगी कि इसमें जाली जाली नजर आ रही, छेद आ रहा नजर आ रहा है। ये बहुत ही शिद्दत शिद्दत से सिलाई की हुई है। जब हम ऐसे बारीक टांका लेके सिलेंगे तो हमारी जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल किनारे से लेना है, एक बार हमें इधर से ऐसे लेके ऐसे डाल लेना है। देखिए ऐसे करके ऐसे लिया और एक बार हमने इधर से ऐसे ले लेना है और ऐसे फिर इधर से ऐसे लेना है। इसको सीधा करके देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा दोनों पार्ट का जो ज्वाइंट है और ये हमारी स्लीव है। स्लीव का जो हमारा ये सेंटर है बुनाई का, ये वाला फंदा जो है देखिए। तो ऐसे ही हमने अब ये थी कि देखिए यहाँ पे कोई है नज़र आ रहा कि कहाँ हमने ज्वाइंट लगा, कहाँ पे हमारी ये सिलाई हो रखी है। ये देखिए बिल्कुल बारीक टांकों से लगाना है कि यहाँ पे शिद्दत शिद्दत जाली ना आए यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने सिल के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्ट को बना के जो मैं ये बना रही थी जैम्पर बच्चे का, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है और इसमें ऊन मेरी लगी है 230-235 के ग्राम इसमें ऊन लग चुकी है। यदि आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप 250 ग्राम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें क्योंकि बाद में कलर नहीं मिलता है एक जैसा, तो थोड़ा सा फ़र्क आता है कलर में। अगर आप बुनाई वगैरह नीटिंग करते हैं तो अगर आपने कोई इसमें जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की धारी डाली हुई है, अगर आपने कुछ डालना हो, अगर आपके पास कोई बची हुई थ्रेड होगी तो आप इसमें डाल के इस स्वेटर का लुक और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और लुक देने के लिए थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने के लिए देखने के लिए थोड़ा सा और अच्छा लगे और बच्चे की फिटिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, यहाँ पे 4-4.5 इंच के करीब यहाँ देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से बस 4.5 इंच के करीब मैंने यहाँ पे इसके क्रोशिए से या फिर सिलाइयों से डोरी बनाऊंगी, नीले कलर की डोरी बनाऊंगी और इसमें मैंने मल्टी कलर दोनों को मिक्स करके मैं पम बनाऊंगी और इसका लुक और अच्छा लगेगा देखने में, बहुत ही अच्छा लगे जिससे भी ये। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो देखने के लिए साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लोगों ने कोई बुनाई के संबंधित कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक आप इस वीडियो के साथ एंजॉय करते रहें। और इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।